We should respect a woman because you can feel her innocence in the form of a daughter. You can feel her care in the form of a sister. You can feel her warmth in the form of a friend. You can feel her passion in the form of a beloved. You can feel her dedication in the form of a wife. You can feel her divinity in the form of a mother. You can feel her blessing in the form of a grandmother. Yet she is so tough. Her heart is so tender, so naughty, so charming, so sharing, so melodious. Yet she is so strong and still standing. She is a woman and she is life. ममता की मूरत और कोमल सी सूरत है वो, श्रृंगार का अर्पण और सुंदरता का दर्पण है वो। वह नारी है जिस पर टिकी ये दुनिया सारी है, हर एक पहलू में यह मर्द पर भारी है, फिर भी क्यों तुम्हें लगती ना ये प्यारी है। बस बहुत हुआ यह अत्याचार, यह अन्याय और यह एक तरफा होना, इनको भी आज़ादी दो और दो मौका उड़ान भरना। स्त्री, औरत और माँ बन यह शुरुआत से हर एक जिम्मेदारी उठाती जा रही है और हमेशा समाज के दिए हुए घावों पे खुद ही मरहम लगा रही है। बेटियों को बहुत समझा जाता है, बेटियों को क्या कुछ नहीं, किस किस चीज़ों से नहीं रोका जाता है, लेकिन आज उससे लड़ने का वक्त आ चुका है। सो उन्हें मारो मत बोझ समझ के, उन्हें रोको मत सोच समझ के। वो बेटियां हैं आखिर, उन्हें दबाओ मत कमजोर समझ के। इन्हें दहाड़ना भी आता है और पछाड़ना भी आता है। कुछ करने की सोचोगे तो इन्हें चीर फाड़ना भी आता है।